नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, आज हम इसी क्रम में आपको वाराणसी के दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप जानेंगे वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या हैं, टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट की लागत क्या है, टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्या है, टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट का निर्माण कौन कर एवं करवा रहा है, बताएंगे कि टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति क्या है तथा टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट कब तक हो जाएगा बनकर के जनता को समर्पित। यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश में द्वितीय एवं धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर काशी अर्थात वाराणसी में पर्यटक तो ऐसे पूरे वर्ष ही आते रहते हैं एवं वाराणसी में जिस स्थान पर सबसे अधिक पर्यटक व श्रद्धालु आते हैं वह स्थान है गोदौलिया, जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर एवं पौराणिक दशाश्वमेध घाट का मार्ग भी प्रशस्त होता है। काशी के इस विशेष एवं हृदय स्थल के विशेष विकास के लिए वाराणसी के जन प्रतिनिधि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस पूरे गोदौलिया परिक्षेत्र में कई विकास कार्य हो रहे हैं, जिनमें कि गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी हो चुका है तथा गोदौलिया गंगा पथ का कार्य अंतिम चरण में है तथा गौरव पथ का कार्य भी अधिकांश पूर्ण हो चुका है तथा सबसे महत्वपूर्ण कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी कार्य संचालित है, परंतु क्षेत्रीय स्थान के उचित प्रयोग एवं विकास के दृष्टि से दशाश्वमेध घाट किनारे एक और प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिसकी प्रारंभिक जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया था और आज हम आपको इसी क्रम में वाराणसी के इस टूरिस्ट प्लाजा के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं। बता दें कि जहाँ पर वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा का निर्माण कार्य चल रहा है दशाश्वमेध घाट के पास, वहां पर 1980 के दशक में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वीडीए अर्थात वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बनाना आरंभ किया था, परंतु ऐतिहासिक महत्व व घाटों के पास निर्माण और अन्य विवादों के कारण से इस प्रोजेक्ट पर काम को रोक दिया गया था और लंबी कानूनी प्रक्रिया में निर्णय आने के पश्चात व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI की अनुमति मिलने के पश्चात अब इस स्थान पर नए आवश्यकता के अनुसार एक मॉडर्न टूरिस्ट प्लाजा का निर्माण हो रहा है। अब यदि आपको इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी दें तो बता दें कि दशाश्वमेध घाट के पास दो दशक से अटके इस अर्ध निर्मित भवन को हटा करके यहां पर एक टूरिस्ट प्लाजा का निर्माण हो रहा है एवं इस निर्माण कार्य में 49% VDA व 51% स्मार्ट सिटी का उत्तरदायित्व है। पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को इस स्थान पर भूमि पूजन व शिलान्यास स्वयं प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया था। योजना के अनुसार वीडीए ने अगस्त में ही निर्माण कार्य आरंभ कराया था एवं आपको बता दें कि 24 अगस्त 2020 से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 दिसंबर 2021 अर्थात अभी से लगभग 4 माह के पश्चात। वीडीए अर्थात इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी ने निर्माण कार्य के लिए विधिवत टेंडर जारी किया था और जुलाई 2021 में कार्यदायी एजेंसी भी सुनिश्चित कर दिया गया था एवं जो कंपनी इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कर रही है उसका नाम है चिन्मय कंस्ट्रक्शन कंपनी। टूरिस्ट प्लाजा में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हेल्पलाइन सेंटर के साथ पर्यटन को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जा रहा है। यदि इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पुनर्विकास योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट के निर्माण में होने वाले टूरिस्ट प्लाजा में 180 दुकानें बनेंगी, इनमें से कुछ दुकानें स्थानीय दुकानदारों को भी मिलेंगी। टूरिस्ट प्लाजा में काशी विश्वनाथ मंदिर का कार्यालय भी खुलेगा, यहां से श्रद्धालु टिकट और प्रसाद भी ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त फूड कियोस्क, हेल्प डेस्क और पर्यटक लाउंज जैसी सुविधाएं भी होंगी। यही नहीं, इस कॉम्प्लेक्स में बनारसी खान पान के साथ ही बनारसी पहनावा समेत वाराणसी की खास वस्तुओं की दुकानें भी होंगी। दशाश्वमेध घाट पुनर्विकास परियोजना में विस्थापित दुकानदारों को इस कॉम्प्लेक्स में समायोजित भी किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां उतरने से ठीक पहले दशकों से बेकार पड़ी अर्धनिर्मित स्थान को योगी सरकार काम लायक बना रही है। यहां पर 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें कि लगभग 200 लोगों को दुकान और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा।
वाराणसी विकास प्राधिकरण के अनुसार इस 3 मंजिले कॉम्प्लेक्स के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 68 दुकानें एवं अपर ग्राउंड फ्लोर पर 42 फूड कोर्ट के लिए आरक्षित होगा। बेसमेंट का पुनर्विकास करते हुए 72 दुकानों के प्रावधान के साथ अन्य प्रयोजन के लिए स्थल आरक्षित किया गया है। महत्वपूर्ण है कि अब पर्यटकों को बनारस के मशहूर खान पान के लिए शहर में भटकना नहीं पड़ेगा। पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ठंडई, लस्सी, मलइयो और बनारसी पान सब कुछ एक ही स्थान पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको बनारसी साड़ी अथवा बनारस का हैंडीक्राफ्ट जैसे कि लकड़ी का खिलौना, गुलाबी मीनाकारी, जरदोजी जैसे कोई भी वस्तु क्रय करना होगा तो वह सभी आपको यहाँ पर मिलेगा तथा यहाँ पर पूजन सामग्रियों की भी दुकानें उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि कॉम्प्लेक्स में सीढ़ियों के साथ साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही सरफेस डेवलपमेंट के अंतर्गत भूतल पर पर्यटकों के आराम से बैठने के लिए स्टोन फ्लोरिंग एवं पाथवे का निर्माण भी होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरियाली पार्क का भी प्रावधान है। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण लगभग 3082 वर्ग मीटर में हो रहा है। लोअर ग्राउंड फ्लोर 991 वर्ग मीटर एवं अपर ग्राउंड फ्लोर 922.96 वर्ग मीटर तथा प्रथम तल भी 922.96 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है। इस परियोजना की कुल लागत 28,54,00,000 रुपए अनुमानित है। परियोजना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्त पोषण के अंतर्गत कराया जा रहा है। अब यदि इस प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि समग्र रूप से वर्तमान समय में स्थल पर लगभग 25% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जो कि आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में विकास के लिए संकल्पित है, इसकी छवि वाराणसी में देखने को भी मिल रही है। सरकार दशाश्वमेध घाट के पास दशकों से खाली पड़े स्थान को मल्टी स्टोरी व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर की तंग गलियों में पर्यटक घंटों खरीदारी का भी आनंद लेते हैं, परंतु अब वीडीए द्वारा बनाए जा रहे इस टूरिस्ट प्लाजा में लगभग 200 लोगों को दुकानें और सैकड़ों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही तथा इसी के साथ पर्यटक एवं श्रद्धालुओं को एक ही छत के नीचे पूरे बनारस की झलक भी मिलेगी। महत्वपूर्ण है कि एक ओर इस परियोजना के मूर्त रूप लेने पर काशी में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों की कड़ी में जहाँ एक और कड़ी जुड़ेगी तो वहीं दूसरी ओर गंगा के किनारे एक अच्छी छवि भी निखरेगी तथा गंगा किनारे आने वाले पर्यटकों एवं बाबा के भक्तों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई टूरिस्ट प्लाजा प्रोजेक्ट की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।